आ मेरे यहाँ चुने हुए आ साढ़े हीरे ने सारे चुने हुए आ भी सारे हीरे चुने ने लोगों ने लोगों की गलत नहीं हो सकती चॉइस तो इन्होंने बारे की कहते सी मैं तो बड़ा हैरान हाँ कि हो जे मटीरियल आ गया जे तो जे मैं कह राहुल गांधी ट्रकों से चढ़ा फिरता राजा बड़िंग बसा तो डरता फिर क्या मटीरियल आ गया जी देश मटीरियल दस दे लोगों ने चुन के भेजा जनाब ठेका लिया इन्होंने कि यही चुने जाया करे इन्होंने भाई भतीजे चुने जाया करे सो इस करके ज्यादा कालिया एनक ला बंदा सच्चा नहीं होंगे बल्कि ज्यादा कालिया एनक लोग शक कर लग जाते हैं किसी को लोग आना है अख नहीं मिला मैं पहले भी कह चुके अख न अख मिला के गल करो क्यों चले गए हर पांच दस मिनट बाद चले गए बस हो जाते हुए नारे ला के चलो जी काम ठीक है बैठो आरडीएफ आरडीएफ पिंड भी जाना है बहुत दुनिया इस वक्त देख रही होगी लाइव टेलीकास्ट भाई कांग्रेसी भी पिंड जान गए तो पिंड वाले पूछणगे भी जिते आरडीएफ से गल चलती सी सेंटर के विरुद्ध बोलना सी मता पास करना सी उते क्यों नहीं गए उते क्यों नहीं बैठे उते क्यों नहीं सपोर्ट की तुसी ये कोई मेरा मुद्दा है ये कोई साडा परसनल मुद्दा है किसी एक मंडी का मुद्दा है कारण यह है साढ़े लिए आरडीएफ रूरल डिवेलपमेंट फंड है उन्होंने आरडीएफ रहन दे फंड है रहन दे फंड उन्होंने तो पंगे पाए ने हूँ चलो अं कर लैन थोड़ी बहुत यारी दोस्ती भी चल जाती है कैप्टन साहब ना ही गल कर लैन तो उधरले पास ही ने आना पहले तो बहुत चिट्ठिया लिख देंगे उन्होंने उन्होंने घरें काफ़ी खाने भोज भी रात्रि दे होए ने तो उन्होंने कह देना यार भी आरडीएफ का पैसा तो दवा दो ना आरडीएफ का पैसा कितों आजगा पिछे जो पटियाले रैली हुई बीजेपी की उस कैप्टन साहब की बेटी जयिंदर कौर पहली बार बोली तो उन्हें कहना तो यह कि 144 करोड़ रुपया पटियाले शहर के डिवेलपमेंट पर लाता वो कहती 144 करोड़ रुपया लग गया क्योंकि जी इन्हें भी गिनती 100 तक है 44 नहीं आता इन्हों 44 नहीं कहना आता इन्हों इन्हों को 63 है नहीं ये 69 ने 79 100 का पता है 100 144 करोड़ वाले ने सर उन्होंने तो की उम्मीद करोगे पंजाब बारे दस देंगे कुछ जब पंजाब के कल्चर बारे कुछ पता होगा जब पंजाब के देहाती मुश्किलों बारे कोई पता होगा मंडियों च की हालात ने जी हालात होंगे ने सो मैं यही कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र की बड़ी मर्यादा है काश इत्थे मुख विरोधी धिर बैठी होंगी पर कोई गल नहीं अकाली दल और BSP के जो नुमाइंदे ने और आजाद जोड़े नुमाइंदे ने वो बैठे ने वो बैठे ने और उन्होंने मौका भी मिले बोलने का गल बोल के करो इदा बाइकाट करना या वाकआउट करना इहदा कोई फायदा नहीं जो कोई मुद्दा हो वाकआउट करो उन्होंने सवाल सारे RDF च बोल लेंगे कि चाहिए उन्होंने कितने कितने पैसे चाहिए है आप गल कर लेंगे सो मैं इस प्रस्ताव के हक में समर्थन भी करदा ते नाल नाल उम्मीद भी करदा कि केंद्र सरकार बड़ी जल्दी आ एक अद्धे हफ्ते च ही सानू फंड जारी कर दूगी नहीं तो फिर 1 जुलाई सुप्रीम कोर्ट खुल रही है सर बहुत बहुत धन्यवाद।